मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना की राशि का अंतरण किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगारी भत्ते के 1,05,395 हितग्राहियों को 32,38,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन भेजी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी करते हुए युवाओं से कहा कि आपके बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है, लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। सरकारी नौकरी के लिए हम लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं, इसके साथ ही आपको कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि आप अपना काम भी शुरू कर सके। बेरोजगारी भत्ता एक छोटा सा सहयोग भर है जिसके माध्यम से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और अब स्वागत की कड़ी को हम प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री श्री उमेश पटेल जी को। और जो भी नोट्स मटेरियल्स पे होते हैं या स्टडी मटेरियल्स पे होते हैं, टेस्ट सीरीज पे होते हैं, वो सब पे अपन खर्च करेंगे, तो उन्होंने ये भी बोला है। और सर, एक तो पहले ही आपने इतने अच्छे अवसर प्रदान किए कि मैं पहली बार आपके सामने मुखाग्र और आपके सीएम निवास पे आके आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। धन्यवाद। और बहुत खुशी हो रही है, ये राशि सिर्फ मेरे लिए नहीं और बाकी लोगों के लिए भी बहुत खुशी के लिए है, क्योंकि वो अपना सदुपयोग उसमें कर रहे हैं सर और करने वाले हैं। और एक जो एजुकेशन के लिए स्किल ट्रेनिंग जरूरी होती है, वो स्किल ट्रेनिंग पहले जो गवर्नमेंट थी, अगर वो स्टार्ट करती तो वो भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ। सर आपने स्टार्ट किया इस टाइम पे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन होती है वो हम साथ में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी बोला है कि हम दो डिग्री लें, एक तो अपन एजुकेशन के लिए लें और दूसरी स्किल ट्रेनिंग या डिप्लोमा लें, ताकि हम अपनी बेरोजगारी को कम कर सकें। और लगातार प्रदेश बेरोजगारी की दर में लगातार कम होते हुए प्रयास कर रहा है सर। सर ये आपकी मेहनत के देखिए 32 करोड़ रुपया आज हमने जारी किया, पिछले महीने 16 करोड़, तो इस प्रकार से 48 करोड़ केवल दो महीने में। अब अगले महीने 32 करोड़ से अधिक ही होगा, उसे कम तो होगा नहीं। तो देखिए कि तीन महीने में ही ये चार महीने में ही 100 करोड़ पार कर जाएगा, जबकि पिछले सरकार में 2003 से लेकर 2017 तक केवल मतलब 13-14 साल में 100 करोड़ भी नहीं पहुंचा था, 98 करोड़ की राशि वितरित की गई थी। और अभी ये जो राशि जा रही है, सभी लोगों ने ये बताया कि देखिए कि समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं, आर्थिक किसी के कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई कृषि कार्य कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा दुकान है, होटल है, कोई व्यवसायी है, कहीं प्राइवेट जॉब है, तो आर्थिक स्थिति सबके समान नहीं है। और ऐसे में जो सच में जो गरीब तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उसके लिए संजीवनी का काम कर रहा है। मध्यम श्रेणी में भी जो लगातार
बच्चों पे, खासकर नौजवान युवक युवती हैं, उनको लगता है कि मैं कमा नहीं रहा हूं और माँ बाप पे लगातार मुझे पढ़ा लिखा तैयार भी कर दिए हैं और उसके बाद भी मैं उसी के आश्रय हूं, तो थोड़ा सा खराब लगता है, मन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ऐसे में ये राशि है उनके लिए बड़ा कारगर। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तो हम केवल सहायता दे कि छोड़ नहीं देते। जैसे आप देखेंगे हम गोबर भर नहीं खरीदते, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गोकार्ट बना रहे हैं, गमला दिया, अब प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। और जहां प्राकृतिक पेंट के जहां ट्रेनिंग दिए हैं, अब गांव में दूसरे जो समूह हैं वो लड़ाई करना शुरू कर दिए, केवल वही लोग भर काम करेंगे, हम क्यों नहीं काम करेंगे। तो इस प्रकार से जो लाभदायक जितने भी हमारे जो कार्य हैं उसमें अब प्रतिस्पर्धा होने लगी।